हाय फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने इस अध्ययन करने चैनल में। आज हम पढ़ेंगे संविधान के स्रोत। अभी हम पढ़ रहे हैं भारतीय संविधान लुसेंट से, तो इसका ये पांचवा एक्सरसाइज है। अगर इससे पहले वाले आप नहीं देखे होंगे तो देख लेना इसको। तो पहला प्रश्न है, भारतीय संविधान की कौन सी विशेष व्यवस्था जो है वो इंग्लैंड से ली गई है। तो मैं कई बार जिक्र कर चुका हूँ पहले वाले वीडियो में, संसदीय प्रणाली ली गई है। संसदीय प्रणाली कहाँ से ली गई है? ब्रिटेन से, इंग्लैंड से। फिर भारतीय संविधान का कौन सा लक्षण आयरिश या आयरलैंड जिसे कहते हैं संविधान से लिया गया है? तो लिया गया नीति निर्देशक तत्व। फिर भारतीय संविधान की सबसे बड़ी एकांकी स्रोत कहाँ से, मीन्स सबसे अधिक जो है वो कहाँ से लिया गया है? तो भारत सरकार अधिनियम 1935 से, भारत सरकार अधिनियम 1935। हमारा आंसर क्या हो जाएगा? डी। यहाँ से 2/3 लिया गया है। कितना? 2/3 हिस्सा लिया गया है। काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये, इसको नहीं भूलना। नेक्स्ट है, भारत की संघीय व्यवस्था किस देश की संघीय व्यवस्था से अधिक समानता रखती है, मीन्स भारत की जो संघीय व्यवस्था है वो कौन से देश के साथ व्यवस्था से मिलता है? तो कनाडा, याद रखिएगा। फिर भारतीय संविधान की समवर्ती सूची की प्रेरणा कहाँ से ली गई है? समवर्ती सूची क्या होता है? देखो, सूची तीन टाइप का होता है, एक होता है सेंट्रल, एक होता है स्टेट, दूसरा होता है कंक्रीट। कंक्रीट मीन्स होता है सेंट्रल और स्टेट, जो दोनों में इंक्लूड एजुकेशन किया है तो कंक्रीट है। तो वो क्या होता है, उसको कहते हैं समवर्ती सूची। मीन्स एक होता है संघ सूची, एक होता है राज्य सूची, और दूसरा तीसरा क्या होता है? समवर्ती सूची। तो समवर्ती सूची की जो मीन्स कल्पना है कहाँ से लिया गया है? वो लिया गया है आपका ऑस्ट्रेलिया से। ऑस्ट्रेलिया का कैपिटल क्या है? कैनवारा, याद रखिएगा। और साथ ही उसका करेंसी जो है वह है डॉलर, ऑस्ट्रेलियन डॉलर है, इम्पोर्टेंट है। भारतीय संविधान के अंतर्गत संघ और राज्यों के बीच शक्तियों का विभाजन किसकी प्रेरणा पर आधारित है? मीन्स भारत में क्या है, संघ का अलग संविधान है, इन संविधान तो एक ही है पर उसमें वर्णित अलग अलग किया गया है। जैसे कि आप पढ़ोगे नीति निर्देशक तत्व क्या है, राज्य के लिए है, तो अलग अलग किया गया है। ये व्यवस्था कहाँ से ली गई है? ये ली गया है कनाडा से। फिर भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य का विचार लिया गया है। मौलिक कर्तव्य जो है वो भी मैं कई बार जिक्र कर चुका हूँ, तो वो कहाँ से लिया गया है? रूस के संविधान से या सोवियत संघ के। आपको ऑप्शन में रूस कम मिलेगा, सोवियत संघ अधिक मिलेगा, तो आप ऑप्शन के अकॉर्डिंग टिक करोगे, पर भूलना नहीं। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान में सम्मिलित नीति निर्देशक तत्व की प्रेरणा हमें किस संविधान से मिलता है? तो मिलता है आयरलैंड। फिर भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों का उल्लेख करते हुए निम्नलिखित में से किस देश का अनुसरण किया गया है? क्या है मौलिक अधिकार? तो मौलिक अधिकार लिया गया है अमेरिका से, भाग 3 में है, अनुच्छेद कहाँ से 12 से 35। और नीति निर्देशक तत्व कहाँ से है? 36 से 51। ये सब नहीं भूलोगे, भाग 4 में, क्योंकि आगे फिर हम पढ़ेंगे तो रिवाइज हो जाएगा अभी से अगर सुनते रहोगे तो, क्योंकि ये सब अधिक पूछा जाता है एग्जाम में। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान में संसदीय व्यवस्था किस देश से लिया गया? संसदीय व्यवस्था तो कहाँ से लिया गया? ब्रिटेन। फिर भारत के संविधान निर्माताओं ने न्यायिक पुनरावलोकन के विचार को ग्रहण किया है, कहाँ से वो ग्रहण किया गया है? अमेरिका से, न्यायिक पुनरावलोकन अमेरिका। फिर कानून के समान संरक्षण वाक्य कहाँ से लिया गया है? मीन्स कानून के समान संरक्षण, कानून सबके लिए क्या है? समान है, ये कहाँ से लिया गया है? ये लिया गया है अमेरिका। फिर भारतीय संविधान में आपात संबंधी उपबंध जो है भारत सरकार अधिनियम 1935, और ये कहाँ से लिया गया? तो जर्मनी के वीमर संविधान, जर्मनी के संविधान को वीमर संविधान कहा जाता है, तो आप याद रखो जर्मनी के वीमर संविधान से, आपको ऐसा ही ऑप्शन आएगा। फिर भारतीय संविधान में देखो भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों की संकल्पना किस देश से ली गई है? नीति निर्देशक तत्व फिर से रिपीटेड है, कहाँ से लिया गया है? आयरलैंड। नेक्स्ट है, राज्य के गठन की प्रतिभा, अनुभव की सेवा, देखो कभी भी आप, चलो पहले प्रश्न पढ़ देता हूँ, सेवा की प्रतिनिधित्व देने के लिए भारतीय संविधान निर्माता निम्नलिखित उदाहरण से प्रभावित है। तो देखो ये क्या होता है ना, राज्य से संबंधी कभी भी कोई प्रश्न आए संविधान में तो आप नीति निर्देशक तत्व पे हाईलाइट करना है, आपको सोचना है, और वो कहाँ से लिया गया है? आयरिश गणतंत्र, मीन्स आयरलैंड को ही आयरिश कहा जाता है, कन्फ्यूज नहीं करना, आंसर ए सही है। फिर संविधान के संरक्षण के रूप में सर्वोच्च न्यायालय का अधिकार विश्व के
किस संविधान से लिया गया है? ये एक अच्छा प्रश्न बोल सकते हो। ये कहाँ से लिया गया है? अमेरिका। न्यायिक प्रणाली ही लिया गया है अमेरिका से, तो जाहिर सी बात है अमेरिका आंसर होगा। नेक्स्ट है, राज्य के नीति निर्देशक तत्व कहाँ से लिया गया? देखो आयरलैंड का। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, क्योंकि देखो अभी भी बार बार रिपीट हो रहा है, क्योंकि हर एग्जाम में ये बहुत बार पूछा जा चुका है। नेक्स्ट है, भारत में कलेक्टर के पद का औपनिवेशिक शासन क्या आधार लिया गया था? ये जो कलेक्टर पद सुनते हैं, ये कहाँ से लिया गया था? ये लिया गया था इंग्लैंड से, इंग्लैंड। अच्छा, ये जो होता है अखिल भारतीय मीन्स UPSC के अंतर्गत आता है, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन UPSC, तो इसका गठन कौन करता है? प्रेसिडेंट करता है, याद रखिएगा। वर्तमान में 3 ये UPSC के अंतर्गत आता है, AS, IPS और IFS। वर्तमान में अगर किसी नए पद का सृजन करता है तो वो कौन करेगा? प्रेसिडेंट करेगा, याद रखना इसको। नेक्स्ट प्रश्न है, विधि के समक्ष समानता मीन्स, विधि मीन्स होता है विधान मीन्स संविधान, संविधान के समक्ष समानता ये कहाँ से लिया गया? ये लिया गया इंग्लैंड के संविधान से, इंग्लैंड के संविधान से। फिर राज्य के नीति निर्देशक तत्व सिद्धांत संविधान में सबसे अधिक प्रभावित थे मीन्स, ये कहाँ से? आयरलैंड के संविधान से। देखो डिफरेंट टाइप से पूछा जा रहा है आपसे। फिर भारतीय संविधान में मूल कर्तव्यों को शामिल करने का विचार किस देश से लिया गया है? तो मूल कर्तव्य लिया किससे गया है? सोवियत संघ से। तो इसका आंसर भी क्या हो जाएगा? पूर्व सोवियत संघ। या देखो रूस था पिछले वाले क्वेश्चन में, लेकिन मैंने क्या कहा था आपको, ऑप्शन में सोवियत संघ मिलेगा, तो आप टिक टिक करोगे। नेक्स्ट प्रश्न है, भारतीय संविधान द्वारा प्रदत्त मौलिक अधिकारों के स्थगन संबंधी कार्यपालिका के अधिकारों को किस देश से लिया गया? तो वो लिया गया जर्मनी, जर्मनी। फिर संयुक्त राज्य अमेरिका के संवैधानिक आदर्शों पर भारतीय संविधान में कौन सी व्यवस्था शामिल की गई है? तो कौन सी व्यवस्था शामिल की गई है? की गई है संघीय शासन व्यवस्था भी, मौलिक अधिकार भी लिया गया है, स्वतंत्र एवं निष्पक्ष सर्वोच्च न्यायालय, तीनों लिया गया है। तो हमारा क्या हो जाएगा? उपरोक्त सभी। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान के निर्माण में सर्वाधिक गंभीर प्रभाव निम्नलिखित में से किसने छोड़ा है? तो अगर सबसे अधिक की बात हो तो भारत सरकार अधिनियम 1935, डी हमारा सही आंसर है। भारतीय संविधान में संघात्मक किस देश से लिया गया है? तो अब तो आप इसका खुद भी सॉल्व कर पाओगे, क्योंकि बहुत बार रिपीट हो चुका है ये क्वेश्चन। कहाँ से लिया गया? कनाडा, कनाडा। फिर सर्वोच्च न्यायालय की व्यवस्था, जहाँ पे अगर न्यायालय आ जाए तो ये हम कहाँ से लिए हैं? यह लिए हैं USA, अमेरिका से। फिर संघात्मक शासन व्यवस्था सर्वप्रथम, फिर आ गया संघात्मक, देखो यहाँ भी संघवाद है, यहाँ पे संघात्मक, तो कहाँ से होगा? कनाडा। देखो अगर आप बार बार इस टाइप के वीडियो को देखते हो या इस टाइप का अगर सेट बना रहे हो ना, तो आपको एक समझ में आ जाएगा कि क्वेश्चन पूछने का जो प्रणाली होता है वो आपके समझ में आ जाएगा, तो आप आसानी से इस टाइप के प्रश्न के साथ डील कर पाओगे और आपका गलत नहीं हो पाएगा, सही हो जाएगा। फिर भारत की संसदीय प्रणाली प्रभावित है, संसदीय फिर आ गया, तो संसदीय प्रणाली जो है कहाँ से लिया गया? इंग्लैंड से लिया गया, इंग्लैंड। फिर भारत के संविधान की प्रस्तावना को प्रतिष्ठित स्वतंत्रता समानता एवं भाईचारे के आदर्शों की प्रेरणा कहाँ से मिली थी? तो ये कहाँ से भारतीय संविधान में आया? ये आया फ्रांस की क्रांति से, फ्रांस की क्रांति से। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान की संशोधन प्रतिक्रिया, ये अभी मैंने पढ़ा दक्षिण अफ्रीका के बैमर संविधान से ये आया हुआ था, क्या हो जाएगा? डी सही आंसर है। अगर संशोधन हो ना, मैंने बहुत पहले जिक्र किया था कि सबसे कठोर संविधान कहा जाता है अमेरिका, क्योंकि वहाँ पे संविधान में संशोधन नहीं होता है, बहुत मुश्किल है, और दक्षिण अफ्रीका में क्या संशोधन बहुत आसान है, तो यहीं से हमने लिया है संशोधन करने की प्रतिक्रिया। तो कभी अगर आपसे प्रश्न आ जाए कि सबसे लचीला संविधान कौन से देश का है, तो आप क्या करोगे? दक्षिण अमेरिका टिक लगाओगे। अच्छा, दक्षिण अमेरिका कैपिटल कहाँ पे है? चलो मैं बता देता हूँ, केप टाउन है। तो आप उसका हमको करेंसी बता दो, क्या होता है दक्षिण अफ्रीका का करेंसी? किस देश के संविधान से भारत की संघीय व्यवस्था प्रभावित नहीं होती है? संघीय व्यवस्था प्रभावित नहीं है, ये पूछा जा रहा है आपसे, तो हम आसानी से क्या लगा सकते हैं? दक्षिण अफ्रीका, क्योंकि यहाँ से हम संविधान संशोधन की प्रणाली लिया, ऊपर ही पड़े हैं, तो आंसर क्या हो जाएगा? डी। देखो नेक्स्ट प्रश्न है कि आपको इसमें से मैच करना है, तो पहले मैं आंसर ही बता देता हूँ, फिर मैच कर लेता हूँ। देखो मूल अधिकार कहाँ से लिया गया? संयुक्त राज्य अमेरिका से। नीति निर्देशक तत्व लिया गया है आयरलैंड से। आपात उपबंध कहाँ से लिया गया? जर्मनी के बीमर संविधान से। और संसदीय शासन प्रणाली कहाँ से लिया गया है? शासन संसदीय प्रणाली की बात की जा रही है, तो ये कहाँ से लिया गया? UK, यूनाइटेड किंगडम से। ठीक है ना, तो हमारा आंसर सी सही है।
फिर है, निम्नलिखित में से कौन सा लक्षण भारतीय परिसंघ और अमेरिकी परिसंघ में समान रूप से पाया जाता है? तो पहले भी ये प्रश्न हम पढ़ चुके हैं, संविधान के निर्वाचन के लिए परिसंघीय उच्चतम न्यायालय, ये दोनों में क्या है, सेम है। न्यायिक व्यवस्था जो क्या है, दोनों में सेम है, क्योंकि हम न्यायिक व्यवस्था कहाँ से लिया गया है, ये अमेरिका से ही लिया गया है। संसदीय शासन प्रणाली सर्वप्रथम किस देश में विकसित हुई? तो संसदीय शासन प्रणाली हमने तो लिया इंग्लैंड से, लेकिन सबसे पहले कहाँ विकसित हुआ, तो इंग्लैंड में ही, यानी ब्रिटेन में ही विकसित हुआ। फिर निम्नलिखित में से वह संवैधानिक दस्तावेज कौन सा है जो भारतीय संविधान तैयार करने में गहरा प्रभाव दिया? तो सबसे गहरा प्रभाव यही दिया, भारत सरकार अधिनियम 1935। फिर हमारे संविधान में मूल अधिकार कहाँ से प्रेरित है? तो वो संयुक्त राज्य अमेरिका। देखो कितना बार रिपीट है ये सब प्रश्न, जो मैंने बोल रहा हूँ इम्पोर्टेंट है, वो बहुत इम्पोर्टेंट है। फिर भारत के राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्तियाँ निम्नलिखित में से किस देश की देन है? तो आपातकालीन की बात की जा रही है, तो जर्मनी के वीमर संविधान से, जर्मनी के वीमर संविधान से। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों की व्यवस्था किस देश के संविधान से ली गई है? मौलिक अधिकार व्यवस्था की बात की जा रही है, तो वो कहाँ से लिया गया है, संयुक्त राज्य अमेरिका। फिर अगर मौलिक कर्तव्य रहता यहाँ पे, तो हम क्या बताते हैं, सोवियत संघ, ठीक ना, यहाँ पे क्या होगा, संयुक्त राज्य अमेरिका। संविधान निर्माताओं ने कौन सा लक्षण अमेरिका के संविधान से ग्रहण किया? तो अमेरिका से लिया, न्यायालय तो लिया ही, मौलिक अधिकार भी लिया, न्यायिक समीक्षा भी लिया, तो डी, इनमें से सभी। नेक्स्ट प्रश्न है, हमारे संविधान में मूल अधिकार, तो फिर मूल अधिकार, यही प्रश्न यहाँ भी मैंने देखा, मूल अधिकार कहाँ से लिया गया है, अमेरिका से लिया गया है, हमारा आंसर ये सही है। तो यह था मेरे वीडियो का एंड, उम्मीद करते हैं कुछ आपको सीखने को मिला होगा। अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, कमेंट में बताइए कैसा लगा आपको, और मैंने जो प्रश्न पूछा उसका आंसर भी दीजिए, और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए ताकि उनको भी फायदा हो, काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है कॉन्स्टिट्यूशन। तो अगर और चैनल पर नए हो तो आप प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको मेरा अपडेट मिलता रहेगा, और कोई सुझाव देना चाहते हैं तो भी आप मुझे कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।